हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ़ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास सेवंथ इंग्लिश ये केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं क्योंकि अभी पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है इससे पहले मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर भी सेवंथ इंग्लिश का दिखा चुकी हूँ तो जो चेंजेस है पैटर्न में वो अभी आपको इस सैम्पल पेपर में बता दिए जाएंगे थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर होगा कि एग्जाम में किस तरीके के कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा आंसर्स के रिगार्डिंग भी गाइड करती रहूंगी कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं तो स्टार्ट करते हैं अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ओके सबसे पहले एज ऑलवेज आपका एक पैसेज आएगा सबसे पहला पैसेज है आपका पहले रीड कर लीजिए उसके बाद क्वेश्चन के आप आंसर्स करेंगे तो ईजी रहेगा बीज आर इंसेक्ट्स बीज जो है वो एक इंसेक्ट्स है इंसेक्ट्स होती हैं बीज बोलते हैं मधुमक्खियों को हनी बीज बीज आर स्पेशल इंसेक्ट बिकॉज दे कैन फ्लाई लेकिन थोड़े से स्पेशल है ये इंसेक्ट क्योंकि वो उड़ सकते हैं दे कैन मूव थ्रू द एयर लाइक एन एरोप्लेन एरोप्लेन की तरह वो एयर में मूव कर सकते हैं बीज कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स ये फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके विंग्स होते हैं दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई ओके बीज कैन फ्लाई फास्ट बीज कैन ऑल्सो फ्लाई स्लोली धीरे और तेज दोनों तरीके से उड़ सकते हैं दे कैन फ्लाई अप दे कैन फ्लाई डाउन बहुत ही ईजी पैसेज है दे नीड टू फ्लाई टू गेट टू द फ्लावर्स उनको उड़ने की जरूरत पड़ती है पुलों तक जाने के लिए बीज कैन हैव थ्री कलर्स बीज में तीन कलर्स होते हैं दे कैन बी येलो रेड और ऑरेंज बीज जो है वो येलो कलर की भी हो सकती है रेड एंड ऑरेंज ऑल्सो ऑल बीज आर ब्लैक इन सम प्लेसेस कई जगहों पर बीज जो है वो ब्लैक भी होती है बीज हैव थ्री मेन पार्ट्स तीन मेन पार्ट्स होते हैं उनके दे हैव हेड दे हैव अ बॉडी एंड दे हैव अ स्टिंगर एक हेड होता है बॉडी होता है और एक स्टिंगर होता है जिससे स्टिंग यानी कि डंक मारती है द स्टिंगर इज़ यूज टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज अपने दुश्मनों से अपने आप को डिफेंड करने के लिए स्टिंगर का वो यूज़ करती हैं दे ऑल्सो हैव सिक्स लेग्स जैसे कि हर इंसेक्ट में होते हैं उनके भी छः पैर होते हैं दे यूज़ देयर लेग्स टू क्लाइम एंड स्टैंड खड़े होने के लिए या फिर क्लाइम करने के लिए वो उनको यूज़ करती है दे ऑल्सो यूज देयर लेग्स टू ईट एंड कलेक्ट पोलेंड पोलैंड को खाने के लिए कलेक्ट करने के लिए भी वो अपने लेग्स को यूज़ करती हैं बीज लिव इन मैनी प्लेसेज बीज जो है कई जगहों पर रहती है दे लिव इन अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका द ओनली कॉन्टिनेंट दैट बीज डो नॉट लिव इज अंटार्क्टिका सिर्फ अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है अंटार्क्टिका जहाँ पर कि बीज नहीं होती है आई अंडरस्टैंड वाई आई अंडरस्टैंड वाई दे डोंट लिव इन अंटार्क्टिका मैं समझ सकता हूँ अंटार्क्टिका में क्यों नहीं रहती इट्स टू कोल्ड क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा वो एक हमारा कॉन्टिनेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम बीज आर नाइस टू ह्यूमन ज़्यादातर वो ह्यूमन बींग के साथ नाइस nice ही होती है इफ़ यू डू नॉट बॉदर देम लेकिन अगर आप उनको बॉदर ना करें परेशान ना करें दे विल नॉट बॉदर यू वो भी आपको परेशान नहीं करेगी हैव फन वॉचिंग बीज इन समर और समर में बीज को देख के बहुत ही आप फन कर सकते हैं चलिए पहला क्वेश्चन है वॉट आर बीज बीज क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं दे आर इंसेक्ट्स ऑप्शन आपका डी सही है दूसरा अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ क्योंकि पढ़ के आपको नीचे एट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आपको आंसर्स करने हैं आगे हाउ डू दे फ्लाई हाउ डू बीज फ्लाई बीज कैसे फ्लाई करती है दे यूज देयर विंग्स सी ऑप्शन सही है हाउ मेनी लेग्स डू दे हैव हैव सिक्स लेग्स अगेन सी ऑप्शन सही है वॉट इज द स्टिंगर यूज फॉर स्टिंगर किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है अगेंस्ट एनिमीज बी ऑप्शन सही है आपका फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर डू बीज लिव बीज जो है वो कहां पर रहती है तो बीज नॉर्थ अमेरिका में भी रहती है एशिया में भी लेकिन अंटार्क्टिका में नहीं रहती मतलब कि आपका डी ऑप्शन सही है बोथ ए एंड बी फिफ्थ क्वेश्चन है आपका बीज आर स्पेशल बीज स्पेशल है दिस मीन्स इसका मतलब क्या है स्पेशल मतलब कि वो अनयूजल है बाकी से कुछ अलग है यूजल नहीं है वॉट इज ऑपोजिट ऑफ डिफेंड अपने आप को डिफेंड करना बचाना है इसका ऑपोजिट क्या होगा इसका ऑपोजिट होगा अटैक करना दूसरों के ऊपर वॉट इज अ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्या होता है कॉन्टिनेंट होता है लार्ज पीस ऑफ कनेक्टेड लैंड कनेक्टेड लैंड का एक बड़ा सा पीस तो ये आपके एट क्वेश्चन है फर्स्ट पैसेज में से ऐसा ही एक और पैसेज आएगा मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ आप प्लीज इसको देख लीजिए और नीचे जो क्वेश्चन दिए वो आपको दिखा दिए जाएंगे उनके आंसर आप सर्च कर लीजिएगा क्योंकि मेन जो है वो बताना है कि अटेम्प्ट कैसे करना है एक पैसेज में बता चुकी हूँ सेकेंड यू कैन डू बाई योर अब आते हैं राइटिंग सेक्शन पर राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन जिसमें आपको डिसिप्लिन की वैल्यू बतानी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से पैराग्राफ आप लिखेंगे साथ साथ आंसर्स भी बता देते हैं क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बच्चों का डाउट था कि आंसर्स uh, आपको नहीं वहाँ पर बताए गए थे क्वेश्चन आंसर्स भी इस बार मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी सो डिसिप्लिन इज लॉ ऑफ नेचर इसको हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ एम जस्ट रीडिंग इट आउट इट इज़ मैंस बेस्ट इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व डिसिप्लिन इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ discipline is the backbone of character without discipline nothing great can be achieved in life a man who does not observe discipline in life has to suffer he becomes lethargic and arrogant he is disliked by all a student who does not obey the teacher and does not do his homework does not get success an employee who does not work sincerely in office may be sacked any time if sportsmen do not observe discipline cannot hope to win any match in the army discipline is of utmost importance डिसिप्लिन लीड्स टू हार्मनी वेयर इज इन डिसिप्लिन लीड्स टू कन्फ्यूजन नो लाइफ इज वर्थ लिविंग विदाउट डिसिप्लिन उसके बाद पैराग्राफ लिखने के बाद आप कंक्लूड जरूर करेंगे उसको तो, कंक्लूजन में आप लिखेंगे अ डिसिप्लिन पर्सन इज एन एसिड टू हिमसेल्फ टू हिस्स फैमिली टू द सोसाइटी टू द नेशन एंड टू मैन काइंड डिसिप्लिन वॉक्स एवरीवेयर इट कंट्रोल द फिजिकल मूवमेंट एंड वन एंड आर मोरॉल्स देर इज़ नो फेर इन हेवन एंड अर्थ वेयर डिसिप्लिन डज नॉट डोमिनेट ओके तो ये एक हेल्प के लिए आपको दिया गया बाकी आप जो भी एग्जाम में लिखें अगला क्वेश्चन है आपका इसके और में है रीड द कन्वर्जेशन केयरफुली इस कन्वर्जेशन को पढ़िए रोज़ी फ़ोन उठाती है कहती है हेलो सॉरी uh, रोजी फ़ोन करते है, कहती है हेलो इज़ इट नाइन जीरो फ़ाइव यहाँ पर आपको एक नंबर दे दिया जाएगा क्या ये इस नंबर से बोल रहे हैं तो रिहाना कहती है यस प्लीज़ हुज देयर कौन है बताइए तो रोज़ी कहती है हम रोज़ी अ फ्रेंड ऑफ़ रोमा वेरी शी मैं रोज़ी की फ्रेंड बोल रही हूँ रोमा वो कहाँ है रिहाना कहती है ओ सॉरी एक्चुअली शी फॉरगॉटन हर मोबाइल हेयर वो अपना मोबाइल यहाँ भूल गई है शी हैड हैज़ गोन टू द मार्केट वो मार्केट गई हुई है कैन यू कैन आई हेल्प यू प्लीज़ क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो रोजी कहती है ओ श्योर इन फैक्ट आई वॉन्टेड टू कन्वे हर दैट टुडेज म्यूजिक क्लास शैल बी सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज नॉट वेल आज की क्लास हमारी सस्पेंड हो जाएगी क्योंकि म्यूजिक टीचर वेल नहीं है इंस्टेट इट विल बी हेल्ड ऑन संडे यह संडे को होगी अब सो शी शुड रिमेंबर इट तो उनको ये याद रखना है कैन यू प्लीज पास दिस मैसेज टू हर क्या तुम इस मैसेज को पास कर दोगी उन तक तो रेहाना कहती है ओ श्योर हाँ बिल्कुल थैंक यू थैंक यू टू ये रोजी कहती है बस ये आपको एक कन्वर्सेशन दिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एज़ रेहाना इज गोइंग टू हर डांस क्लास शी नीड्स टू रीप्रोड्यूस द मैसेज फॉर रोमा क्योंकि रेहाना को डांस क्लास जाना है तो उसको वो मैसेज लिख के जाना है रोमा के लिए अब ये मैसेज आपको लिखना है मैसेज को किसी कन्वर्सेशन को मैसेज में लिखने के लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सेवन्थ और एट क्लास में जनरली पूछ लिया जाता है तो मैं आपको थोड़ा सा टेंटेटिव आंसर बता देती हूँ आप कैसे लिखेंगे ओके okay, तो आंसर में सबसे ऊपर लिखेंगे मैसेज जब भी आप किसी के लिए कोई मैसेज छोड़ के जाते हैं ऊपर लिख दीजिए ताकि वो पर्सन आते ही पढ़े कैपिटल लेटर में मैसेज लिखेंगे डियर रोमा अब इसमें एक चीज रह गई यहाँ पे आपको टाइम लिखना है कि किस टाइम आप वो मैसेज लिख रहे हैं टाइम जरूर लिखिए मान लीजिए ये जो फोन आया है उसका ये दो बजे आया तो आप लिख दीजिए टू पी एम पे मैं ये मैसेज लिख रही हूँ टुडे योर फ्रेंड रोजी हैज़ कोल्ड अपॉन यू आज तुम्हारी फ्रेंड रोजी ने तुम्हें फोन किया था वैन यू हैड बीन मार्केट जब तुम मार्केट में थी इनफैक्ट शी हैड टू टेल यू दैट योर म्यूजिक क्लास शैल बी सस्पेंडेड तुम्हारी म्यूजिक क्लास सस्पेंडेड रहेगी बिकॉज योर टीचर इज नॉट वेल तुम्हारी टीचर वेल नहीं है एंड स्टेड इट विली इट विल भी इट वुड बी हेल्ड ऑन संडे इफ यू लाइक यू मे टॉक टू हर तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो बस बहुत छोटा सा मैसेज लिखना होता है अपना पूरा नहीं लिखना है कि उसने हालचाल पूछा तुम्हारे बारे में पूछा मैंने बताया कि तुम मार्केट गई उन सब की ज़रूरत नहीं है बस उसने जो मैसेज कहा है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकली उसको चेंज करके लिख देंगे ओके तो ये इसका आंसर होगा अगला क्वेश्चन है आपको एक स्टोरी की कुछ लाइंस दी हुई है जिनमें आपको स्टोरी कंप्लीट करनी होती है जिसकी हेल्प से ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था अगर आपने लास्ट ईयर वाला पेपर देखा है द माइस इन अ हाउस एक घर में बहुत सारे चूहे होते हैं अफ्रेड ऑफ अ कैट होल्ड अ मीटिंग एक बिल्ली से बहुत डरते हैं मीटिंग करते हैं वन प्रपोज टू टाई अ बेल अराउंड द नेक एक प्रपोज करता है कि गले में जो है उसके वो बांध दो घंटी बांध दो ऑल अग्री सब मान जाते हैं हु इज टू बेल द कैट अब बताइए कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा नो माउस ऑफर कोई ऑफर नहीं करता

ली एक कैट थी जो कि उनको रेगुलरली मारती रहती थी एट लास्ट दे हैड मीटिंग टू सी हाउ दे कुट रेड ऑफ द कैट आखिर में वो एक मीटिंग बुलाते हैं ये देखने के लिए कि वो कैसे उस कैट से गेट रेड ऑफ कर सकते हैं उससे पीछा छोड़ा सकते हैं वन माउस सेट एक माउस कहता है दे शुड लीव द हाउस घर छोड़ देना चाहिए अन अदर सेट दे शुड नॉट कम आउट ऑफ द होल्स की अपने घरों से बाहर मत निकलो दाउस टू आपता है लेटस टाई अब बेल अराउंड नेक उसके गले में घंटी बांध देते हैं देन वेन द कैट कम्स जब कैट आएगी वी शैल हेयर द बेल हमें बेल सुनाई देगी एंड कैन गेट आउट ऑफ इट्स वे और हम भाग जाएंगे ऑल द माई शाउटेड गुड्स माउस चिल्लाते हैं बहुत अच्छा है दे ऑल थाट इट वॉज अ गुड प्लान इन डेड वो सब मानते हैं कि ये सच में ही बहुत अच्छा प्लान है नाउ एन ओल्ड माउस टू डेट अब एक बूढ़ा चूहा उठता और कहता है द प्लान इज प्लान जो है वो अच्छा है द प्लान इज गुड यहाँ पर रह गया द प्लान इज गुड प्लान अच्छा है नो डाउट डाउट नहीं है इज गुड बट हु टाई द बेल अराउंड द कैट्स ने कैट उसके गले में घंटी बांधेगा कौन नो माउस ऑफर टू डू इट कोई भी माउस तैयार नहीं होता सडनली द कैट अपियर एकदम से कैट आती है एंड ऑल द माइसिंग टू देर होल सभी उनके होल में चले जाते हैं ओके okay? तो इस तरीके की है जैसे कि यहाँ पर एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी गई है कि ये कहता है कि छोड़ दो घर ये ये सब स्टोरी मैं आपको नहीं बताई हिंट्स में लेकिन आपको क्योंकि कहानी थोड़ी सी बड़ी करनी होती है आप बिल्कुल वही लिखेंगे जो लिखा हुआ है उसको जोड़ देंगे बस सेंटेंस बना के तो मुश्किल से चार पाँच सेंटेंस का आपका बनेगा फाइव माँ का क्वेश्चन एटलीस्ट टू हंड्रेड वर्ड्स आपके उसमें होने चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे He had sent for you. उन्होंने बर्थडे पे आपके को जो भेजा है उसके लिए आपको आपके अंकल को थैंक यू बोलना है इनफॉर्मल लेटर है ये इनफॉर्मल लेटर में आप सबसे पहले जानते हैं आपका एड्रेस लिखा जाता है घर का एड्रेस जगह सिटी uh, uh, जहाँ पर आप रहते हैं उसके बाद डेट लिखी जाती है उसके बाद सीधा डेयर जो भी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं डेर अंकल इस लेटर का मैं आंसर आपको बता रही हूँ सो so, उसके बाद नीचे आप सीधा शुरू कर देंगे सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर द लवली प्रेजेंट यू सेंड मी ऑन माय बर्थडे बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने जो मेरे लिए प्रेजेंट भेजा व्हेन आई ओपन द पार्सल कंटेनिंग योर प्रेजेंट आई वॉज थ्रिल्ड जब मैंने आपका पार्सल खोला जिसमें कि आप गिफ्ट था मैं आई वॉज थ्रिल्ड द ब्यूटिफुल रिस्ट वॉच यू सेंड मी वॉज अर्जेंटली नीडेड बाई मी जो इतनी सुंदर रिस्ट वॉच आपने भेजी है वो उस मुझको उसकी बहुत जरूरत थी ऑल माई फ्रेंड्स हैव लाइक डिट वेरी मच सभी मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आई इट्स गोल्डन चेन इज रियली वेरी अट्रेक्टिव इसकी जो गोल्डन चेन है वो सच में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज यूजल यू डिड नॉट फोगेट माई बर्थ हमेशा की तरह आप मेरा बर्थडे जो है फोगेट नहीं कि आपने भूले नहीं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए फॉर योर केयर एंड अफेक्शन आपकी केयर और अफेक्शन के लिए विद अटमोस्ट लव एंड रिगार्ड्स टू यू एंड आंटी एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स योर्स अफेक्शनेटली परेश योर्स लिखना है ये मैं आपको लास्ट पेपर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सो so ये इस तरीके से आपका लेटर लिखेंगे आप ये आपके लेटर का आंसर है नेक्स्ट चलिए तो इसी के साथ आपका जो राइटिंग सेक्शन है वो कंप्लीट होता है अब हम आते हैं ग्रामर पर ग्रामर में सबसे पहले आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करनी होगी चूज दी अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस इफ़ इट डैश टूडे अगर आज बारिश होती है वी विल नॉट गो टू प्ले हम खेलने नहीं जाएंगे रेन टुडे रेन्स टुडे रेन टुडे तो इसमें आएगा इफ़ इट रेन्स टुडे सिंपल प्रेजेंट टेंस का है होती है ती है ता है पे जो एंड होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म आती है फिर एस लगता है अगर इट ही शी इट या फिर थर्ड पर्सन कोई भी आपका आ रहा है तो टीचर uh, वो करना चाहिए तो जो टीचर आपकी कहते हैं तो यू शुड डू नेक्स्ट इफ डैश रेनिंग इट सुबह से बारिश हो रही है तो कॉन्टिन्यूस uh, आपका टेंस है तो इट हैजीन रेनिंग यानी कि ऑप्शन बी सही है नीदर ही नॉर ही सिस्टर ना वो और ना ही उसकी बहन जो है वॉज देअर वहां पर थी तो वॉज आएगा इसमें अगला क्वेश्चन है आपका रोहित कॉल्सअप रजत रोहित जो है वो रजत को कॉल करता है मेक्स अ प्लान फॉर द वीकेंड वीकेंड के प्लान के लिए आपको डायलॉग डायलॉग्स जो है वो कंप्लीट करने हैं रोहित डैश ओके okay, uh, एक सेकेंड आई थिंक इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ओके रोहित कहता है डैश दिस वीकेंड तुम uh, इस वीकेंड क्या कर रहे हो तो रजत आंसर करता है आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान मेरा कोई स्पेशल प्लान नहीं है तो रोहित बताइए क्या पूछेगा वॉट आर यू डूइंग दिस वीकेंड आर यू प्लानिंग समथिंग दिस वीक एंड विल दे बी एट होम या फिर नॉन तो वो यही पूछेगा सबसे पहले तो कि वट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो तभी आई डोंट है कहेगा तो यानी कि उसने पूछा होगा वॉट आर यू डूंग आपका ऑप्शन ए सही है तो ये देख लीजिए कन्वर्जेशन भी ऑप्शन के फॉर्म में ही आपको पूछी जाएगी रोहित अब कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ डू यू लाइक द आइडिया डैश द जू तुम्हें कैसा लगेगा विजिट करने का जो जू का आइडिया है सो हाउ डू यू लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू ऑफ गोइंग टू द जू तो वो कहेगा दैट साउंड गुड बट आई नीड टू टेक माई पेरेंट्स परमिशन ओके तो यहाँ पर आपका बी सही है ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है ही इज़ माई बिजनेस वो मेरा बिजनेस का क्या है हेल्पर है पार्टनर है कंपनी है या कंप्लेस है तो वो मेरे बिजनेस का पार्टनर है बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं सो बी ऑप्शन करेक्ट है अ थीफ एक थीफ का क्या होता है एक थीफ का कंप्लेस होता है कंप्लेस बोलते हैं जब आप किसी के गलत काम में कोई सहायता करते हैं कम्पलाइज अम्प्लीस एवर हाउ एवर यू प्रनाउंस इट चलिए नेक्स्ट चूज दी करेक्ट ऑप्शन द एजुकेशन फंडामेंटल राइट राइट इज इज टू इसको आपको अंजम्बल करना है सो राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है सो इसमें आप लिखेंगे राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑप्शन बी सही है नेक्स्ट हैज़ इजी साइंस लाइफ एक्सट्रीमली आर मेड तो साइंस ने हमारी लाइफ आसान बना दी है ये वो कहना चाह रहा है तो इसमें होगा साइंस हैज़ मेड आर लाइफ एक्सट्रीमली ईजी ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट है ओके चलिए ग्रामर का पार्ट खत्म होता है अब है नेक्स्ट आपका लिटरेचर लिटरेचर में सबसे पहले आपको एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जिसके बेसिस पर आपसे चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं स्टांजा पढ़ देती हूँ आंसर्स ऑल्सो डेफिनेटली दे दिए जाएंगे आपको स्टांजा आपकी बुक का ही है एक्सप्लोर द मीडो हाउसिज द बरो इन द ग्राउंड द नेस्ट बिनी टॉल ग्रासिज द एंड अमेजिंग माउंट्स ओ मीडोज हैव सरप्राइज एंड मेनी थिंग्स टू टेल यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल पहला क्वेश्चन है वॉट डज द पोएट सजेस्टर्स इसमें पोएट जो है हमें क्या सजेस्ट कर रहा है क्या करने को कह रहा है तो वो डेफिनेटली हमें कहता है कि मीडो को जो है टू ट्रैवल इन टू मीडो मीडो में हमें लोगों को ट्रैवल करना चाहिए ना क्या एनिमल्स के साथ खेलना और ये सब आगे टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द मीडो मीडो की ब्यूटी को इन्जॉय करने के लिए आपको क्या करना होगा वन नीड क्या चाहिए आपको टाइम इंटरेस्ट आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया सॉरी वॉट डज द पोएट मीन बाई मीडो हाउसेज पोएट का मीडो हाउसेज से क्या मतलब है बरो नेस्ट एंड स्माउंट्स ऑल ऑफ दीडो हाउसेज सभी के लिए यूज़ किया ऑप्शन आपका डी करेक्ट है यहाँ पर टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द मीडो वन नीड आपको अगर आप चाहते हैं इन्जॉय करें आप मीडो uh, की ब्यूटी को तो आपको क्या चाहिए कीन आइज एंड शार्प एयर्स क्योंकि तो वहां पर देखने के लिए सुनने के लिए बहुत कुछ है हैविंग शार्प ईयर्स वन कैन एंजॉय अगर शार्प ईयर्स हैं आपके तो आप क्या इन्जॉय कर सकते हैं द म्यूजिक ऑफ स्ट्रीम अब ऑप्शन आपका ये करेक्ट है ये आपके पोयम में दिया हुआ है उसके बाद आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा ये भी आपकी बुक से होगा जिसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन होंगे सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लो टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर ये फायर फो एंड फ्रेंड से है शायद से तो ये कह रहे हैं कि कुछ फायर जो है वो आप वाटर से नहीं बुझा सकते जैसे कि अगर पानी आग लगी है आपकी ऑयल में तेल में तो आप उसमें पानी डालते हैं तो ऑयल जो होगा वो फ्लोट होके पानी के ऊपर आ जाएगा और जलता ही रहेगा बुझेगा नहीं और बल्कि बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा पानी के साथ साथ तो ये फायर को स्प्रेड करने जैसा हो जाएगा पहला क्वेश्चन है एन ऑयल फायर 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 इज ऑयल ऑयल क्या होती है अ बिकॉज द लाइक पेट्रोलियम केरोसिन डीजल एक्सेट्रा इनसे जो आग लगती है इनमें जो आग लगती है उसको ऑयल फायर कहा जाता है वॉट काइंड ऑफ फायर के दैट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश यूजिंग वाटर आप वाटर को यूज करके कौन सी आग को नहीं बुझा सकते हैं ऑयल फायर को यस इलेक्ट्रिक फायर को ऑल्सो अगर बिजली कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क की वजह से लगी और आप उसमें पानी डालेंगे तो करंट आप तक भी पहुंच सकता है और पानी में फ्लोट हो वो और डेंजरस हो सकता है तो यानी कि यहां आप पर आपको ऑप्शन सी सही है ऑल दो ये आपको दिया नहीं हुआ है पैसेज में लेकिन मैं हमेशा कहती हूं जो सीन पैसेजेस होते हैं वो आपसे स्टोरी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके पैराग्राफ में दिया हो तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है थर्ड क्वेश्चन है वॉटर इज डैश देन ऑयल पानी जो है वो ऑयल से क्या है ऑब्वियसली हेवियर है तभी उसके ऊपर ऑयल जो है वो तैरने लगता है आपने देखा होगा जो हल्की चीज़ है वो पानी के ऊपर तैरती है जो भारी है वो डूब जाती है ये थोड़ा ना फ्लोटिंग एंड जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं डूबने वाले और तैरने वाले तो अगर ऑयल फ्लोट कर रहा है तैर रहा है तो मतलब कि वो हल्का है सिंक नहीं कर रहा है वाटर कैन नॉट एक्सटिंग्विश ऑयल फायर बट वाटर जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा उसको फैला देगा यानी कि बट स्प्रेड इट इसमें आपका ऑप्शन बी सही है उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर नी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स इनके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं मैं आपको दिखा भी देती हूँ आंसर्स आपको इनके देने हैं ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स में कोई तीन क्वेश्चन के चार क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें पहला है आपका इन वॉट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल वन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड जब बच्चा टूल शेड से वापस आता है उसको अपनी साइकिल किस कंडीशन में मिलती है इसका आंसर आप लिखेंगे आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम टूल शर्ट द ऑथर फाउंड दैट हिज फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड उसका फ्रेंड ग्राउंड पे बैठा विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स ही वॉज मूविंग इन बिटवीन हिज फिंगर्स अपने पैरों के बीच में उसको लेके और अपने फिंगर्स उसमें घुमा रहा है ये आंसर आपकी बुक में होगा एम श्योर sure आप इससे बेटर आंसर भी हो सकता है लिख सके मैं सिर्फ आपको एक टेंटेटिव आंसर बता रही हूँ जो अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है आपका वाई हैज़ क्रिकेट अलाज व्यूरशिप इन इंडिया नॉट इन नॉट इन चाइना और रशिया इंडिया में चाइना और रशिया से ज़्यादा लोग क्रिकेट को क्यों देखते हैं तो आंसर इसका होगा आई थिंक मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हु रिमेन अंडर ब्रिटिश कलोनियल रूल जो कि ज़्यादातर कंट्रीज ब्रिटिशर्स के अंडर में रही है दे प्लेड क्रिकेट एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन हम बहुत पुराने क्रिकेट प्लेइंग नेशन है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना चाइना के बाद दूसरी पॉपुलेटेड कंट्री भी है पीपल हे आर क्रेजी फॉर क्रिकेट सो इट इज लार्जेस्ट मार्केट फॉर क्रिकेटिंग वर्ल्ड क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए काफ़ी बड़ी मार्केट है क्योंकि ब्रिटिशर्स जहाँ पर उन्होंने रूल किया वो वह सभी कंट्रीज़ को क्रिकेट सिखा के ही गए हैं अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट ट्री

डज़ निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ क्या निशाद uh, जो है एग्री करता है माया के साथ मिस्टर नाथ के बारे में जो कहती है माया हाउ डज़ ही फील अबाउट हिम वो मिस्टर नाथ uh, के बारे में कैसा फील करता है सो आंसर इज़ आई डोंट थिंक निषाद एग्रीज विद मिस्टर माया नहीं करता है वो अग्री अबाउट मिस्टर नाथ जो माया कहती है ही डज नॉट पे मच अटेंशन टू द व्यूज ऑफ माया वो ज्यादा ध्यान नहीं देता माया के व्यू पर ही थिंक दैट मिस्टर नाथ मस्ट भी लोनली विदाउट फ्रेंड्स वो सोचता है कि मिस्टर नाथ जो है वो लोनली है अपने दोस्तों के बिना माया थियोरीज दैट शी ट्राइज टू प्रूव मिस्टर नाथ अ क्रिमिनल माया जो कि अब मिस्टर नाथ को क्रिमिनल प्रूव करना चाहती थी हैज़ नो ट नो इफेक्ट ऑन निषाद उससे निषाद के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ही डिसाइडेड टू भी फ्रेंडली विद मिस्टर नाथ हो मिस्टर नाथ के साथ फ्रेंडली होने की का डिसाइड कर लेता है आगे है आपका अगला क्वेश्चन इनमें से कोई दो क्वेश्चन के आंसर देने आपको तीन दिए हुए होंगे पहला है आपका वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग द डव्स ही हैड बॉट क्या वो उनको डव को खिलाने में और उनकी केयर करने में इंटरेस्टेड था अगर नहीं तो क्यों नहीं था जो कस्टमर आया था वो जो डव लेके गया था उसकी बात यहाँ पर हो रही है तो आंसर होगा नो नहीं द कस्टमर वॉज नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर जो था वो इंटरेस्टेड नहीं था उनको फीड करने में डव को ही बॉट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्टेड टू एक्चुअली कीप देम एज

चेंजस हैज़ अकर्ड विच फोर्स पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स क्या चेंजेज ऐसे हुए जो जिससे लोगों को फोर्स किया गया अंडरग्राउंड होम में रहने के लिए घर के नीचे रहने के लिए सो द सन बिकेम टू कोल्ड एंड हॉस्टाइल जो था सन बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल बहुत ही ज़्यादा कोल्ड uh, हो गया ठंडा हो गया द बर्ड्स बिकेम एक्सटेंट बर्ड्स जो है वो ख़त्म हो गई देन द एनिमल्स एंड फिश फॉलो टू उसके बाद फिश और एनिमल्स भी खत्म हो गए द एयर ग्रूथ थीर एयर थीनर हो गई मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई एंड द टेम्परेचर फेल एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो गया था दीज वर देंजेस डेट अकर्ड ये चेंजेस हुए थे जिससे कि जिन्होंने लोगों को फोर्स किया अंडरग्राउंड हाउसेज में रहने के लिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम आ, तीसरा है वाई डेड चांदनी हेट द रोप अराउंड हर नेक चांदनी के गले के चार तरफ जो आ, रोप थी चांदनी उसको हेट क्यों करती थी तो इसका आंसर आप लिखेंगे चांदनी हेटेड द रोप चांदनी रोप को हेट करती थी अराउंड हर नेक बिकॉज इट पुल्ड बैक फ्रॉम गोइंग टू द ब्यूटीफुल हिल्स वो उसको सुंदर हिल्स पर जाने से रोकती थी हमेशा शी वांटेड टू बी फ्री ऑफ इट नोइंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज वो उससे फ्री होना चाहती थी भले ही वो जानती थी कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे क्या इसके रिजल्ट होंगे उसके बाद भी वो जानना चाहती थी लेकिन रस्सी उसको रोक रही थी दैट इज वाई शी हेटेड द रोप अगला क्वेश्चन है डेथ इज इन ओपन फील्ड इज बेटर डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हर्ट एक खुले मैदान में मरना ज़्यादा अच्छा है एक बंद झोपड़ी में जिंदा रहने से चांदनी सेट टू हर्ट है चांदनी ने अपने आप से कहा वॉज इन द राइट डिसीजन गिव रीजन फॉर योर आंसर क्या एक सही डिसीजन था अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देने हैं और इसमें आपकी हंड्रेड वर्ल्ड लिमिट होगी सिक्स मार्क का क्वेश्चन है इट वॉज द राइट डिसीजन ये बिल्कुल सही डिसीजन था फ्रीडम इनवॉल्व थिंग्स टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क फ्रीडम में कई ऐसी चीजें होती है जहाँ पे आपको कई बार बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको बिकॉज थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको ओके इट रिक्वायर्स वन टू बी ब्रेव एंड टू बी रेडी टू फेस एनी डिफिकल्टी इसमें चाहिए कि एक पर्सन जो है बहुत ब्रेव हो बहादुर हो और हर डिफिकल्टी को फेस करने के लिए तैयार हो किसी भी सर्कमस्टांसेस

किसी को भी एक अच्छी फाइट देनी चाहिए शी फॉट विद ऑल हिज हर स्ट्रेंथ वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ताकत से लड़ी एंड इवन दो शी डिड नॉट विन द फाइट जबकि वो जीती नहीं फाइट में शी वॉज द ट्रू विनर एक्चुअली में वही ट्रू विनर थी इफ़ शी हैज़ रिमेन विद अबू खान अगर वो अब ख़ान के साथ रहती शी वुड हैव ऑलवेज बीन टाइड अप वो हमेशा ही बंदी रहती देयर शी माइट हैव लिव लॉन्गर वहाँ पर वो शायद ज़्यादा जीती बट वुड हैव अल्टीमेटली डाइड इन बॉन्डेज लेकिन अल्टीमेटली वो मरती वो भी एक बॉन्ड में एक बंधक बन के ओके okay? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेयर इन द बेयर स्टोरी द बेयर स्टोरी में जो बेयर था उसका कैरेक्टरिस्टिक स्केच आपको बताना है कि वो कैसा था और लास्ट क्वेश्चन भी मैं पढ़ देती हूँ आपका निशा डिसाइडेड टू ट्रस्ट मिस्टर नाथ डू यू थिंक वी शुड ट्रस्ट अदर्स सो दोनों ही क्वेश्चन और आंसर देखिए ये होंगे इनके ओके okay. पहले की उसका बेबी बेयर का जो आपको कैरेक्टर स्केच बताना है द बेबी बेयर वॉज बॉट अप ऑन मिल्क मिल्क तो उसको बड़ा किया गया ही एट ओनली वेजिटेरियन फूड सिर्फ वेजिटेरियन फूड वो खाता था ही नेवर टेस्टेड मीट मीट उसने कभी टेस्ट भी नहीं किया था ही लाइक एप्पल्स एंड हनी एप्पल्स और हनी उसे बहुत पसंद था ही नेवर अटैक दी एनिमल्स कभी एनिमल्स को अटैक नहीं किया था ही एंटर द स्टेबल ऑफ माउंटेन पोनीज इन अ फ्रेंडली मैनर वो जो माउंटेन पोनीस उनके स्टेबल में बहुत ही फ्रेंडली मैनर में घुस जाता था उनको हार्म नहीं करता था द डॉग्स प्लेड विद हिम डॉग्स उसके साथ खेलते थे एंड पुल हिज ईयर्स एंड टेल्स उसकी इयर्स और टेल्स को भी खींचते थे द चिल्ड्रन चिल्ड्रेन राइड ऑन द बैक बच्चे उसकी बैक पर राइड को इन्जॉय करते थे ही वॉज क्वाइट फ्रेंडली विद चिल्ड्रन एंड अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स और बच्चों के साथ वो काफी फ्रेंडली था ही वॉज अ जेंटल एनिमल बहुत जेंटल एनिमल था वॉज द फेवरेट ऑफ बोथ द लेडी एंड द कुक वो कुक और लेडी दोनों का ही फेवरेट था ओके लास्ट क्वेश्चन जो है कि क्या हमें जो लोग हैं उन पर भरोसा करना चाहिए वी शुड ट्रस्ट अदर्स करना चाहिए वी शुड नॉट डाउट पीपल अराउंड अस देम इन अ स्ट्रांग रीजन फॉर इट जब तक आपको कोई स्ट्रांग रीजन ना मिले तब तक आप किसी पर डाउट ना करें सबके साथ अच्छे से रहे पीपल माइट बी बिहेविंग इन अ वे विच माइट अपियर स्ट्रेंज टू अस लोग कई बार ऐसा बिहेव करते हैं जो कि हमें थोड़ा स्ट्रेंज लगता है अजीब लगता है बट दे माइट बी ट्राइंग टू हाइड देयर पेन्स एंड ग्रीफ थ्रू दैट लेकिन हो सकता है वो अपना पेन कुछ दर्द या दुख छुपा रहे हो आपसे ऐसा बिहेव करके वी शुड नॉट मेक जजमेंट अबाउट पीपल विदाउट प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैम हमें बिना उनके बारे में जाने कोई उनके बारे में जजमेंट नहीं बनाना चाहिए ट्रस्ट इज द फर्स्ट स्टेप टू वर्ड्स मेकिंग एन रिलेशन कोई भी रिलेशन बनाने में ट्रस्ट सबसे पहला जो है स्टेप है वी शुड नॉट ट्रस्ट वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन आर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हमें अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करना चाहिए सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन पेपर होपफली थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी आपको इससे कि कैसे प्रिपरेशन आपको करना है कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं एक को एक रिविजन भी हो गई होगी सभी आपके टॉपिक्स की सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स